जिंदगी में सिर्फ एक काम करना चाहिए, खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। वाह, अगर आप नाखुश हैं तो आप बड़े बेहुदा इंसान हैं, आप अच्छे बाप नहीं बन सकते, अच्छे शौहर नहीं बन सकते, अच्छे दोस्त नहीं बन सकते, अच्छे कुलीग नहीं बन सकते। खुशी, उसे एरिस्टॉटल कहते हैं सोनम बोनम, द हाइएस्ट गुड इन लाइफ। ठीक है, अब इसको हासिल करने के लिए या महसूस करने के लिए लम्हा ब लम्हा एक तरीकत है, एक फलसफा है जिसको अपनाना पड़ता है, भूलना नहीं पड़ता। यानी ये एक थियरी वो है जिस पे आप अमल नहीं करेंगे तो आपको महसूस नहीं होगा। अच्छा, जो ये ऑथर है उसने बड़ा सिंपल कर दिया, उसने कहा जी पहला रूल खुश रहने का, जो आपके पास है उसको चाहो वाह और पसंद करो, और जो आपके पास नहीं है उसको रद्द कर दो। दूसरा वो कहता है कि मनफी जज्बात, नेगेटिव इमोशंस को आप अपने दिमाग से निकालें, और वो कहता है ये निकाले जा सकते हैं किससे, विल से, बिकॉज बिफोर एवरी थॉट यू विल समथिंग, एक्शन के बाद। लिहाजा नेगेटिव थॉट्स, वो फैज साहब का शेयर है ना, बर्बादी दिल जबर नहीं फैज किसी का, वो दुश्मने जहां है तो भुला क्यों नहीं देते। तीसरी बात जो है, जिन लोगों से आपको खुशी मिलती है जब वो आपके पास हो, तो चाहे वो औलाद हो, बहन हो, भाई हो या जो भी हो, वो लम्हा जाया ना करें किसी और बात सोचने का। इश्फाक साहब की पुरानी है ना थ्योरी कि एक पल है जो गुजर गया है उस पर कुड़ने का क्या फायदा, एक पल है जो आया नहीं उससे डरने का क्या फायदा। अब इसका ये ख्याल ये है इस ऑथर का, विलियम बी अर्विन का, कि खुशी के लिए जरूरी है मेंटल ट्रैंक्विलिटी। वाह वाह, उसको अंग्रेजी में सेरेनिटी भी कहते हैं, ये भी हासिल हो सकती है जहनी सुकून, या जहनी सुकून के साथ निकालनी है चीजें, कुड़ना नहीं है, कुड़ने का फायदा। अब वो नेगेटिव इमोशन जो वो बहता है, मुझे भी पता थे मसल, नेगेटिव इमोशन क्या होता है, हसद और रश्क, नफरत और गुस्सा, दीज आर नेगेटिव इमोशंस, तासुब, कमीनगी, जहालत, बेसब्री, यानी, और फिर ये ख्याल कि बाकी सब गलत है मैं ही ठीक हूं, बाकी सारी दुनिया खराब। एक बात और उसने कही है जो मैं आपसे कर, इंसान की जिबिल्लत या फितरत में शामिल है कि वो चाहता है उसे पसंद किया जाए, लोग कहें कि मैं अच्छा हूं। और भाई आप में कुछ हो तो आपको पसंद किया जाए ना, यू विल ओनली बी लाइक्ड इफ यू आर लाइकेबल। ठीक है, तो आपने डेवलप करनी है वो चीजें, वो जो मुझे मुनीर नियाजी का शेर बहुत अच्छा लगता है कि वह मुझको अजब है ए जमाले कम नुमा कि जैसे सब कुछ हो मगर तू दीद के काबिल ना हो, और दीद के काबिल होवोगे तो आपको पसंद किया जाएगा। इफ यू आर एरोगेंट, अगर आप मगरूर हैं कौन आपको प्यार करेगा, अगर आपकी गर्दन में सरिया है, अगर आप दूसरों को हकीर समझते हो, व्हाई वुड एनीबॉडी लाइक, अगर आप ट्रस्टवर्दी नहीं हो, अगर आप पे कोई आपको बात बताए आपसे छुपती नहीं है, सो आपके अंदर वो चीजें होनी चाहिए तो आप में, तो आपको लोग लाइक करेंगे। ये कोई शख्स नहीं चाहता, और जी सारी दुनिया का नहीं मैं बड़ा पैड़ा, नोबडी वांट्स दिस, वी ऑल वांट टू बी लाइक्ड, बट उसके लिए वी मस्ट डिवेलप विद इन अस दोस को। अच्छा बेटा जी, बेटी हो, बेटो, मैं क्या कह के फामा हूं और अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं सुनता। दो बात, हुस्ने इखलाक से एक टका खर्च नहीं होता। वाह, अगर आप खुश इखलाकी से गुजरो, और दूसरी बात, मुस्कुरा के बात करने से एक तेला नहीं जाता जेब चो, कॉस्ट यू नथिंग। बांदर अगर मुंह बना गए आप मेरे लिए जो मैं देख रहे हैं टेलीविजन, आप एक हफ्ता खुश इखलाकी का मनाएं, एक हफ्ता मुस्कुराने का मनाएं, कि मैंने आज सुबह उठने मुस्कुरा के बात करनी।